Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 6 of class 8th geography, human resources. As we have studied in our previous classes that human resource is the greatest resource, क्योंकि human के पास knowledge है और अपनी knowledge को utilize करके वो किसी भी वस्तु को resource में convert कर सकता है, क्योंकि nature से हमें जो चीज़ें मिल रही है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, लेकिन कब, जब ह्यूमन जो है वो इसको यूज़फुल बना सकता है हमारे यूज़ के लिए। वो लोगों की डिमांड और उनकी एबिलिटी है जो किसी भी वस्तु को रिसोर्स में कन्वर्ट करती है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स को अल्टीमेट रिसोर्स कहा जाता है। हेल्दी, एजुकेटेड और मोटिवेटेड पीपल जो होते हैं वो किसी भी वस्तु को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। दूसरे रिसोर्सेज की तरह ह्यूमन रिसोर्स भी पूरी वर्ल्ड के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरी अर्थ के ऊपर अनइवन होता है, उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उनके एजुकेशनल लेवल, उनकी एज और सेक्स के अकॉर्डिंग वो अलग अलग पाए जाते हैं। उनके नंबर और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएँ जो है वो भी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड के अंदर या पूरे अर्थ सरफेस के ऊपर जिस तरीके से लोग जो है वो स्प्रेड है, उसे द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है। 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो रहती है नियर अबाउट 30% ऑफ लैंड सरफेस के ऊपर। तो पॉपुलेशन का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्सट्रीमली अनइवन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। कुछ एरियाज़ वर्ल्ड में ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हैं और उसी के कंपैरिजन में कुछ एरिया जैसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलती है। क्राउडेड एरियाज़ में जैसे साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर इसके अलावा बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं जहाँ पर हाई लेटिट्यूड एरियाज हो, जैसे कि ट्रॉपिकल डेजर्ट है, हाई माउंटेन्स है या फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। बहुत सारे पीपल जो हैं वो नॉर्थ इक्वेटर के और साउथ ऑफ इक्वेटर के रहते हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो थ्री क्वार्टर पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ दो कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, जिसमें एशिया और अफ्रीका है। इट मीन्स एशिया और अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्रीज़ में ही पाई जाती है, और इनके अंदर पॉपुलेशन जो है वो 100 मिलियन से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के एक यूनिट एरिया में जितने लोग रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहा गया है। इसको नॉर्मली पर स्क्वायर किलोमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। पॉपुलेशन की जो एवरेज डेंसिटी है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो 51 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर है। साउथ सेंट्रल एशिया जो है उसके अंदर हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पाया जाता है, और उसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्रभाव डालते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहले आता है टोपोग्राफी, मतलब स्थलाकृति। जैसा कि आप सबको पता है कि लोग जो है वो प्लेन्स में रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे कंपेयर टू माउंटेन और प्लेटू। क्यों? क्योंकि प्लेन्स जो है वो काफ़ी सूटेबल लैंड होते हैं जहाँ पर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस एक्टिविटी इजीली अवेलेबल हो सकती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर गंगा प्लेन्स जो है वो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में आते हैं, और इसी के कंपेरिजन में अगर हम माउंटेन्स की बात करें जिसमें एंडीज, आल्पस या हिमालय जाते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट। लोग जो है वो हमेशा एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले एरियाज़ को अवॉइड करते हैं, जिसमें या तो बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी क्लाइमेट हो। इसमें हम एग्जांपल सहारा, पोलर रीजन जैसे रसिया, कनाडा या एंटार्क्टिका का ले सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल। पीपल जो है वो फर्टाइल सॉइल एरियाज़ के अंदर रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर कहीं पर सॉइल फर्टाइल है तो वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सूटेबल होती है। इंडिया के अंदर जैसे फर्टाइल प्लेन्स में गंगा और ब्रह्मपुत्र का नाम ले सकते हैं, चाइना के अंदर हवांग ही और चांगजियांग जो है वो, और इजिप्ट के अंदर नील। ये काफ़ी सूटेबल लैंड है जहाँ पर एग्रीकल्चर इजीली किया जा सकता है, और इसी की वजह से ये एरियाज जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में आते हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर। लोग जो है वो ऐसी जगह पर रहना प्रेफर करेंगे जहाँ पर उन्हें फ्रेश वाटर ईजिली अवेलेबल हो जाए।
जहाँ पर वाटर इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है उन जगहों को लोग जो है वो अवॉइड करते हैं, जैसे कि रिवर वैली का एरियाज है वर्ल्ड के अंदर, वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में आते हैं, और उसी के कंपैरिजन में जो डेजर्टिक एरिया है जहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है वहाँ पर पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन भी कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज़ मिनरल्स। वो एरियाज जहाँ पर माइनिंग डिपॉजिट पाए जाते हैं उन एरियाज में पॉपुलेशन भी ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो डायमंड माइंस है उसकी डिस्कवरी के बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट इज़ सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सबसे पहले आता है सोशल। वो एरिया जहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटीज़ अच्छी है, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए हम पुणे को ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कल्चरल। वो प्लेसेस जहाँ पर रिलीजन या कल्चरल सिग्निफिकेंस जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, कोई धार्मिक विशेषताएं हो जिन जगहों की, वहाँ पर भी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि वाराणसी, जेरूसलेम या वेटिकन सिटी, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक। इंडस्ट्रियल एरिया में लोग रहना प्रेफर करते हैं, रीज़न ये है कि वहाँ पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ईजीली अवेलेबल हो जाती है, और ये एरियाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जिन लोगों को काम की तलाश है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो लोग तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जापान में ओसाका, इंडिया के अंदर मुंबई, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में आते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज मीन्स लोगों के नंबर के अंदर किसी स्पेसिफिक टाइम में चेंज आना। वर्ल्ड की पॉपुलेशन कभी भी स्टेबल नहीं रहती, ये हमेशा चेंज होती रहती है, और चेंज होने का रीज़न क्या है, चेंज आना बर्थ रेट और डेथ रेट में। जैसे कि हम 1800 की बात करें तो उस टाइम में वर्ल्ड की पॉपुलेशन बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे बड़ी थी क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ वर बॉर्न, लेकिन लोग जो है वो बच्चे जो है वो बहुत जल्दी मर भी गए थे। तो क्योंकि उस टाइम में प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों के पास अवेलेबल नहीं थी, सफिशियंट फूड उनको नहीं मिल पा रहा था, फार्मर्स भी इतने अवेलेबल नहीं एबल नहीं थे कि वो लोगों की रिक्वायरमेंट के लिए फूड को जो है वो पूरा कर सके, इसीलिए पॉपुलेशन इंक्रीज जो थी वो काफ़ी कम थी। फिर 1804 में 1 बिलियन तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन पहुंच गई थी, और फिर 1959 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो 3 बिलियन तक पहुँच गई थी, और इसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या में विस्फोट होना कहा गया है, जनसंख्या में अचानक से बढ़ोतरी होना। फिर 1999 में 40 सालों के बाद पॉपुलेशन अचानक से डबल हो गई, 6 बिलियन हो गई। इसका मेन रीज़न क्या था कि अब लोगों के पास फूड सप्लाई बेटर थी, मेडिसिन जो है वो अवेलेबल थी, डेथ रेट कम हो गया था, लेकिन जो बेबीज़ बर्थ था वो अभी भी हाई था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई। बर्थ रेट का मतलब है कि 1000 लोगों के अंदर जितने नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, और डेथ रेट का मतलब है कि 1000 लोगों के अंदर जो मरने वालों की संख्या है वो। फिर है माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स लोग जब अपने एरिया को छोड़कर दूसरी जगह जाते उसे माइग्रेशन कहा जाता है। बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो नेचुरल कॉजेज है पॉपुलेशन चेंज के। बर्थ रेट और डेथ रेट जो है किसी भी कंट्री में जिसके अंदर जितना डिफरेंस पाया जाता है उसे नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाता है। पॉपुलेशन इंक्रीज जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो नेचुरल ग्रोथ रेट की वजह से ही होता है। माइग्रेशन एक दूसरा रीज़न है जो कि पॉपुलेशन के साइज़ को चेंज करता है। इसके अंदर हम एमिग्रांट्स को ले सकते हैं। एमिग्रांट्स वो लोग होते हैं जो कंट्री को लीव करके छोड़कर जाते हैं, और इमिग्रांट वो लोग हैं जो दूसरी कंट्री से अपने कंट्री के अंदर आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ है, वहाँ के अंदर इमाइग्रेशन या इमिग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मीन्स लोग उन कंट्रीज़ को छोड़कर आते हैं। सूडान जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर पॉपुलेशन में कमी होती जा रही है क्योंकि वहाँ से लोग जो है वो तेज़ी से आ रहे हैं। जनरल ट्रेंड जो है इंटरनेशनल माइग्रेंट का जो है वो लेस डेवलप्ड नेशंस में डेवलप्ड नेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलता है क्योंकि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ पर देखने को मिलती है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या फिर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। नेक्स्ट इज़ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो बहुत ज़्यादा है,
वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन ये ग्रोथ सभी कंट्रीज़ में एक जैसी नहीं हो रही है। कुछ कंट्रीज जैसे केन्या है, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बहुत हाई है, क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई है, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ केयर जो है इम्प्रूव हो रही, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो गिर नहीं रहा है और बर्थ रेट जो है वो काफ़ी हाई है। अदर कंट्रीज़ का हम एग्जाम्पल ले, जैसे यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो स्लो है, क्योंकि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों की ही जो प्रोसेस है वो काफ़ी लो है। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन कंपोजिशन। क्राउडेड कंट्रीज जो होती है उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अच्छी, उनका लेवल अच्छा होता है। जैसे बांग्लादेश और जापान जो है वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन जापान जो है इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन बांग्लादेश उतना डेवलप्ड नहीं है। इसके अंदर रोल होता है वहाँ के लोगों का, क्योंकि जैसा कि हमने लेसन के स्टार्टिंग में देखा था कि पीपल एज ए रिसोर्स, तो लोग जो है किसी भी कंट्री के लिए रिसोर्स है, जो किसी भी वस्तु को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए हमें उन लोगों की क्वालिटीज़ के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है, उनकी एज, उनका सेक्स, उनकी लिटरेसी लेवल, उनकी हेल्थ कंडीशन, उनका ऑक्यूपेशन और उनका इकोनॉमिक लेवल, ये सब किसी भी लोगों को रिसोर्स बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं क्या है। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब है कि पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है। पॉपुलेशन जो है वो हमें ये जानने में हेल्प करती है कि किसी कंट्री के अंदर मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, उनका एज ग्रुप कितना है, वो कितने एजुकेटेड हैं, किस प्रकार के ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयड हैं, उनकी इनकम का लेवल क्या है और उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वो पॉपुलेशन कंपोजिशन की स्टडी कर सकते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। और इस पॉपुलेशन का पैरामिड बनाया जाता है, जिसे कि एज सेक्स पैरामिड कहा जाता है। पॉपुलेशन पैरामिड जो है वो टोटल पॉपुलेशन दिखाता है, जिसे कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, जैसे 5 to 9 years, 10 to 14 years, जिसके अंदर हम मेल और फीमेल दोनों के ग्रुप को देख सकते हैं। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो पॉपुलेशन के पैरामिड की जो शेप है वो हमें वहाँ पे रह रहे लोगों की स्टोरी के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर 15 years से कम एज के बच्चे कितने हैं, उसी के साथ साथ उनके बर्थ लेवल क्या है, उसी के साथ साथ एज्ड लोग जो कि 65 years और अबोव के हैं उनके नंबर्स या फिर डेथ जो है उनके उनका बारे में हमें बताते हैं। पॉपुलेशन पैरामिड हमें ये भी बताता है कि कितने डिपेंडेंट्स इस कंट्री में रहते हैं। डिपेंडेंट्स मतलब यंग डिपेंडेंट और एल्डरली डिपेंडेंट। यंग डिपेंडेंट मतलब जिनके पास अभी अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और एल्डर डिपेंडेंट का मतलब जिनके पास पहले अर्निंग का सोर्स था, लेकिन एक एज आने के बाद उन्होंने इनकम अब वो नहीं कर रहे और इसलिए वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। पॉपुलेशन पैरामिड जो है वो किसी भी कंट्री के बर्थ और डेथ रेट के बारे में भी बताता है कि किस प्रकार से कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने बच्चे जन्म लेने के बाद मर गए, या फिर डेथ रेट के बारे में अगर हम देखें तो किस एज में कितने लोगों की डेथ हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। उसी के साथ साथ यंगर एज में या फिर डेथ ओल्ड एज में कितने लोगों की डेथ हुई, कौन सी नॉर्मल नेचुरल डेथ थी और किस प्रकार से डेथ हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में जानकारी मिल सकती है। जापान जैसी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर बर्थ रेट जो है वो काफ़ी लो है, वहाँ का पैरामिड काफ़ी नैरो बनता है, जैसा कि आप साइड में पिक्चर में देख सकते हैं। इंक्रीज डेथ रेट का जहाँ होगा वहाँ पर ओल्ड एज के लोग जो है वो ज़्यादा पहुँचते हैं। स्किल्ड स्पिरिटेड और हेल्पफुल यंग पीपल जो है, होपफुल यंग पीपल जो है, वो पॉजिटिव आउटलुक के वजह से फ्यूचर के लिए किसी भी नेशन के लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी कंट्री के अंदर स्किल्ड लोग हैं, उनके अंदर किसी काम को करने की होप है, तो वो उस कंट्री के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम करेंगे, तो इसीलिए वो उनका एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बनेंगे। इंडिया के अंदर भी इस प्रकार के रिसोर्स में काफ़ी फॉर्चुनेट है, भारत का भाग्य है कि वहाँ पर इस प्रकार का रिसोर्स पाया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को रिसोर्स बनना है तो उनके अंदर एजुकेशन होने के साथ साथ स्किल और काम को करने की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उसके अंदर प्रोडक्टिव एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहें।